लिए एक सारे राजनीतिक दल कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर संघ के पीछे बुरी तरह पड़े हुए। उनका वन पॉइंट प्रोग्राम है कि किस तरह से संघ को झूठे बेकार की बातों में लपेट कर बदनाम करा जाए। अगर इसकी हम अगर थोड़ी छानबीन और करेंगे तो ये पता लगेगा कि संघ के खिलाफ कोई बात ना होते हुए भी और उसको लपेटने की पूरी कोशिश जो सारा मीडिया करता है ये किस इशारे में करता है। हमें कहने की जरूरत है, हम लोग बहुत समझदार है तो समझते। और इस प्रकार से राजनीतिक जो सारे षड्यंत्र चल रहे हैं और इसके अंदर दुर्भाग्य से विश्व की ये बहुत बड़ी बड़ी ताकत उसमें जुड़ गई है। अगर हम लोग जरा थोड़ी सी मेहनत करें, हमने की है कि अगर इन सब लोगों के जितने भी फंडिंग है, जितना पैसा इनके पास जमा है, किस तरह से चैनल चलाते हैं, प्रिंट मीडिया और ये भी सब लोग, इनके अगर शेयर होल्डिंग में देखेंगे या फंडिंग देखेंगे तो विदेशी लोगों के बहुत पैसा इनके पास है। और कोई भी विदेशी ताकत ये नहीं चाहती कि भारत के अंदर एक राष्ट्रवादी ताकत उभर के आए। उसको बिना मतलब कोई बात हो या ना हो, इसमें हमारी लिप्तता हो या ना हो, परंतु वो संघ के अंदर संघ को लपेटने की कोशिश कर देंगे। आपको पूरा ध्यान होगा, एक बार की बात है जयपुर में, वहां पर कोई ईसाई मिशनरी स्कूल का और पेरेंट्स का विवाद हुआ। उसमें कोई बजरंग दल नहीं, कोई संघ नहीं, कोई विश्व हिंदू परिषद नहीं, किसी का उसमें कुछ कारण नहीं था। परंतु मीडिया में खूब हो रहा है कि बजरंग दल के गुंडों ने हमला कर दिया। जब उनको फोन करा तो मांगे नहीं, हमने हम लोगों को उसके ऊपर तुरंत प्रतिवाद करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग हमारी राय पूछते हैं।